हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन सदगुरु के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। डेली क्यूज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम डेली क्यूज और करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीके के क्यूज स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नामे धीरवु की शुरुआत कहाँ से हुई? सही ऑप्शन है डी, चेन्नई। कमल हसन ने देश में एक कोविड-19 के शीर्ष हॉटस्पॉट में से एक चेन्नई की सहायता के लिए लोगों के अभियान नामे धीरवु हम समाधान है की शुरुआत की। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को AFC महिला कप 2022 फाइनल की मेज़बानी की मंजूरी दे दी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है सी, गायक। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के सदस्य थे, हाल ही में उनका निधन हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव टोपना। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD और CFO असुलाकांत, अध्यक्ष डेविड मालपास है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए शुरू किया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नरेंद्र मोदी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और 50 देश सम्मिलित होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा वेतन ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमांडा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका मध्य देशों में भीषण चक्रवर्ती तूफान अमांडा ने भारी तबाही मचाई है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे BAFTA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णेंदु मजुमदार। BAFTA की फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, यूनाइटेड किंगडम में है, जिसके अध्यक्ष कृष्णेंदु मजुमदार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंसिल्ड बैंक।